देखिए, सबसे पहले कि लड़ाई किससे होती है, जो मजबूत होता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मजबूत है उनके नजरों में, तब तो वो अपने आप को लड़ाई में जो है से भारतीय जनता पार्टी से मानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला जिसकी पार्टी अभी बनी नहीं है और वो करने चले हैं, जो दुनिया की सबसे ज्यादा सदस्यों वाली पार्टी है, हमारे एक दर्जन से ज्यादा राज्यों में सरकारें हैं, हमारी आधा दर्जन राज्यों में गठबंधन की सरकारें हैं, हमारा जो है केंद्र में सरकार है और तीसरी बार सरकार है। बिहार के अंदर में भी लंबे समय से हमारा एनडीए का सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में है। तो उससे अपना मुकाबला कर करके वो चर्चा में रहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई बी टीम नहीं बनाती है, भारतीय जनता पार्टी ए टीम रहती है और लड़ती है तो आमने सामने लड़ती है, मुकाबले के साथ लड़ती है। किसी को हम जो है से पर्दे के पीछे से किसी को हम सह देने का काम नहीं करते हैं। और जहां तक बात है प्रशांत किशोर का, तो प्रशांत किशोर इवेंट मैनेजर थे, वो लोगों के लिए योजनाएं बनाने का काम करते थे, चुनावी नारे गढ़ने का काम करते थे, उनके लिए मंच तैयार करते थे। मोदी जी के लिए भी 2014 में मैंने कहा कि जो ऐसे जनता जिसके साथ रहती है उसमें अगर किसी को नारे बना कर करके और आकर्षित अगर किया जाए तो उसमें कौन सा जो ऐसे हर्ज है। तो अब जो ऐसे उनकी नौकरी समाप्त हो गई है, अब कोई उनको हायर नहीं कर रहा है, तो अब अपनी पार्टी बना कर करके और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही बोल रहे हैं, हमला कर रहे हैं, उन्हीं से लड़ने की बात कर रहे हैं। अरे हजारों पार्टियां ऐसी पार्टियां हैं और हर लड़ाई से पहले अपने आप को मुकाबले में मानती है, और जब पता चलता है चुनाव में कि उनकी पार्टी की जमानत जब्त हो गई, जरा 2020 का निकाल कर करके आप देख लीजिए, एक पार्टी आई थी प्लुरल्स पार्टी, जो लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाई थी, लोगों के बीच में भ्रम पैदा की और लगा कि वो जैसे सरकार बनाने की स्थिति में है, और उसके जो हेड मुखिया पुष्पम प्रिया चौधरी जो खुद चुनाव लड़ी दो विधानसभा से और दोनों विधानसभा में जमानत जब्त 400-500 वोटों पर सिमट कर करके रह गई। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर का भी अस्त्र अगले अगर पार्टी बनाएंगे और चुनाव में जाएंगे तो खुद उनका वो लड़ कर करके देख लें, पार्टी को लड़ाने की बात कर रहे हैं, अपने लड़ करके देख लें, उसके बाद उनको अपनी औकात नजर आ जाएगी और पार्टी कहाँ रहेगी पता नहीं। 2025 चुनाव के बाद खोजने पर भी नहीं मिलेंगे, लोग ढूंढते रह जाएंगे। जिन लोगों को सब्जबाग दिखाया है, सपना दिखाया है, बड़ी बड़ी बातें की है, वो सब जो है से अपने आप को जो उनके साथ जुड़ेंगे ठगे से महसूस करेंगे। मैंने कहा कि जो है से उनकी इच्छा है, कहाँ जाएंगे, किस इलाके से अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे और कहाँ अपनी पार्टी के लिए जो है से आधार ढूंढेंगे, ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिन क्षेत्रों में जिन इलाकों में है वहां कमजोर होगी, जिन कमजोर इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में आने वाली है, उभरने वाली है। मुझे लगता है कि अगला जो विधानसभा चुनाव होगा वो एनडीए और महागठबंधन के बीच में होगा। एनडीए की सीटें इतनी आएगी कि कोई जो है सामने से जो है देखना मुनासिब नहीं करेगा। मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है 2025 में 225 सीटों का, और कोई जो है हमारे मुकाबले में रहने वाला भी नहीं है 2025 के चुनाव में। सारे सहयोगियों को बरकरार रख पाएंगे सर 2025 पूरी तरह से? महत्वाकांक्षा सभी की बहुत बड़ी हुई। नहीं, पूरी तरह से हमारे साथ जितने लोग आते हैं पूरी मजबूती के साथ साथ रहने वाले हैं। हम सहयोगियों को सम्मान देते हैं, हम सहयोगियों के साथ अच्छा सलूक और व्यवहार भी करते हैं, सहयोगी हमसे संतुष्ट रहते हैं, इसलिए तो हमारे साथ जुड़ करके रहते हैं। हमारे साथ लंबे समय तक सहयोगियों का साथ रहने का भी रिकॉर्ड है। जब अटल जी के नेतृत्व में 25 दलों को साथ लेकर के 5 वर्षों तक सरकार चलाने का अनुभव मेरे पास है, तो फिर जो है सहयोगी कहाँ जाएंगे? बाकी पार्टियों के नहीं है, महागठबंधन बनती है जिनमें विचारों का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, केवल अपने स्वार्थ के लिए इस चुनाव के समय में साथ होते हैं और चुनाव के बाद अपनी ढपली अपनी राग अलग अलग रास्ते चल देते हैं।